हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल कर के आ रही है बिहार पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स एग्जाम की पैटर्न प्लस आपको जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, सारा कुछ आपको कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब के लिए अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया कि बिहार पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, मतलब कि बहुत जल्द ही आपके बीच में ये फॉर्म आ जाएगा। और इसके लिए जो टोटल पोस्ट रखा गया है फ्रेंड्स आपका 900 प्लस सीट्स के लिए ये वैकेंसी आउट होने वाली है। कैटेगरी वाइज बात करूं तो जनरल के लिए 451 सीट्स रहेगा, बीसी के लिए 108, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 9 सीट्स, ईबीसी के लिए 162 रहेगा एंड आपका बीसी फीमेल के लिए 27 सीट्स यहाँ पे रखा गया है। ये जब नोटिफिकेशन आउट होगा फ्रेंड्स तो आयोग के मुताबिक ये सीट्स ना बढ़ भी सकती है और कुछ थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो चांसेस तो बढ़ने के ही रहेंगे। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहिए, जल्दी ही फॉर्म आने वाला है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यही कि फॉर्म आने वाला है पर कब तक आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो है सितंबर में ये फॉर्म एकदम जरूर से ही आ जाएगा, और अगर सितंबर लास्ट तक नहीं आता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आपका कंफर्म आपकी जो एप्लीकेशन आउट हो जाएगी। एप्लीकेशन की जो फी रहने वाली है जनरल बीसी एंड ईबीसी से यहाँ पे 450 रुपीज लिया जाएगा, वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे 112 रुपीज की फॉर्म फी ली जाएगी। अब बारी आती है एज कैलकुलेशन की, तो फ्रेंड्स आपका जो एज लिमिट रहने वाला है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 23 इयर्स रहेगा, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होता है आपको बीसी एंड ईबीसी को 2 इयर्स का मिलेगा एंड आपको एससी एसटी को 5 इयर्स का मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। देन बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड अगर आपने 10+2 पास आउट कर लिया है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपका कोई भी परसेंटेज है, आपने साइंस लिया था, कॉमर्स लिया था, आर्ट्स लिया था, ये कोई मैटर नहीं करता। 10+2 की क्वालिफिकेशन मतलब आपने पास कर लिया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सिलेक्शन की प्रोसेस आपका 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, देन फिजिकल होगा, उसके बाद आपका सिंपल सा मेडिकल होगा, देन आप जो है अपने जॉब को ज्वाइन कर पाओगे। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा 400 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 आवर्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स 1/3 का। तो एकदम अच्छे से पेपर देना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर जो आप सही करोगे उसका भी मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो चलिए मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है आपसे। जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, देन आपकी हिंदी की जो सेक्शन होती है उससे आपको 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर का आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। सो एग्जाम की पैटर्न तो आपने देख ली, तो अब बारी आती है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो इसमें आपका पीईटी एंड पीएसटी दोनों होता है, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका मेजरमेंट किया जाता है, और आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है उसमें यहाँ पे रनिंग नहीं होती बट वॉकिंग आपकी जो होती है ना, वॉकिंग इफिशियंसी चेक की जाती है। तो चलो मैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए बता देती हूँ।
जनरल एंड अदर्स जो भी रहेंगे मेल कैंडिडेट, उनके लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी मेल के लिए 160 किलोमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में वॉकिंग होती है, मेल्स के लिए 25 किलोमीटर की वॉकिंग होती है, 4 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। सो अब बारी आती है फीमेल्स की हाइट की। तो जनरल एंड अदर कैटेगरी फीमेल्स को 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। एससी एसटी की फीमेल कैंडिडेट्स को मिनिमम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, फीमेल से जो यहाँ पे वॉकिंग इफिशियंसी टेस्ट ली जाती है, उसमें फीमेल्स को 14 किलोमीटर की वॉकिंग करनी होती है, 4 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करके देना होगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम भी है, फिजिकल भी है, तो मेरिट जो है वो किस बेसिस पे बनेगा? तो फ्रेंड्स, आपका 100% जो मेरिट बनेगा ना, वो आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगा। तो फिजिकल बस क्वालिफाइंग होता है, मेडिकल भी आपको पास करना होता है, बट मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा ना, वो आपको रिटन एग्जाम के बेसिस पे। तो चलिए मैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज रखा गया वो बता दूँ। जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी वालों के लिए 32%। एंड फ्रेंड्स, जब आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी जॉब आप ज्वाइन कर लेते हो, तो इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो पे स्केल रहेगा 21,700 टू 69,100 का आपका पे स्केल रहेगा, मतलब कि अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे आपको 2000 रुपीस का रहता है, और जो आपका इन हैंड सैलरी मिलता है ना इनिशियली, वो आपको 38,000 का रहता है। एंड आपका एनुअल जो सैलरी होता है 4 लाख टू 5 लाख सीटीसी आपका रहता है। सो यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो आई होप कि आप सबको जो मैंने डिटेल बताया है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में कोई सी भी दिक्कत लगे फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में आओ, वहाँ पे अपने क्वेरीज को पूछो, मैं आपके जो क्वेरीज है वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज आप और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, मेरी टेलीग्राम भी है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस जॉब रिक्रूटमेंट की वीडियो को टाइम पे शेयर करते रहना, ताकि उनको भी पता चलते रहेगा कि कौन सी जॉब आई है, कौन सी आने वाली है, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।